नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे टू में आपका स्वागत है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसमें 11 अगस्त है आज, एक मैं पहले आपको कर चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट वाली सब कर दी है डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसमें देखिए, आज से एक नई चीज चालू कर रहा हूं। कुछ मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा, आप सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है? और जो भी कंप्लीट यहां पे समरी करेगा पूरे वीडियो की, उसको पिन कमेंट कर दूंगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जो जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट, कौन सा ऐसा रिजर्व है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है टाइगर डेंसिटी है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? हेड क्वार्टर बताना है एफएसआई का, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और जेडएसआई का। नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है, इसको यहां पे बनाया गया था 2003 में, एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, यानी कि एक स्टेटूटरी ये अथॉरिटी है, ठीक है? और ये बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002, उसमें अमेंड करके 2003 में यहां बनाया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां है ये आपको बताना है, एनबीए का हेडक्वार्टर कहां है जल्दी से बताइए। उसके बाद एक बस करेक्शन होगा इस वीडियो में, इसमें एक्चुअली मैं आपको क्या क्या बताऊंगा समझ लीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, टाइगर रिजर्व देखेंगे हम लोग, नेशनल पार्क देखेंगे और जो है कोरल रीफ साइट देखेंगे, मैनग्रूव्स देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक करेक्शन है यहां पे ध्यान रखिएगा। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व वाला वीडियो मैं पुराना वाला जोड़ रहा हूं, उसमें कोई क्योंकि करेक्शन नहीं है इसीलिए उसी को जोड़ दे रहा हूं। टाइगर रिजर्व वाला मैंने पूरा एक मैप बनाया, एक ही पिक में पूरी इंफॉर्मेशन है। नेशनल पार्क में भी कोई करेक्शन नहीं है इसलिए उसको जोड़ दे रहा हूं, ठीक है? कोरल रीफ यहां पे दी गई हो, मैनग्रूव साइट है, तो करेक्शन ये कि लार्जेस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है रैन ऑफ कच्छ गुजरात में, और स्मॉलेस्ट है आपका दिब्रू सैखोवा असम में। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए ये एक पिक है, आप ये देखिए, इसमें मेहनत होती है, कम से कम 2.5 घंटे लगे मुझे इस पिक को बनाने में। इस पिक में सब कुछ दिया है, देखिए इधर दिया है कि भैया टाइगर रिजर्व 50 किस स्टेट में कितने हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसको जूम करके दिखाएंगे बढ़िया से पूरी, इधर से जो है बाकी, इधर ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ, एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, ये एक स्टेटूटरी बॉडी है क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2006 में अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया था। 4 सितंबर 2006 से ये जो है इफेक्टिव हुई है, तो ये एक्ट के थ्रू बनाई गई, यानी कि ये स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक। बाकी देखिए सारे टाइगर रिजर्व की पोजीशन यहां पे दी हुई है। फिर आपसे मान लीजिए और कुछ पूछ लिया जाए कि भैया नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, तो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ज्यादा जो है वो है राजा जी, वो उत्तराखंड में है। साउदर्न मोस्ट आपका है कलक्कड़ मुदन थुराई, ये है आपका तमिलनाडु में। ईस्टर्न मोस्ट जो है, ईस्टर्न मोस्ट है आपका नामदापा अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न मोस्ट है सह्याद्री, समझ रहे हैं? उसके बाद ये जो लेटेस्ट अभी टाइगर का सेंसस हुआ है उसमें 2018 का जो डेटा है वो सब दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो है इंडिया के पास टाइगर है, 70% ज्यादा इंडिया के पास है। नंबर टू पर रशिया है, फिर इंडोनेशिया है। पूरी एक ही पिक में सब कुछ दे दिया है यहाँ पे, देख लीजिए आप। तो ये पूरी पिक है, उसके बाद ये टाइगर की पॉपुलेशन हो गई, एलिफेंट की, लेपर्ड की, और ये एशियाटिक लायंस की हो गई, ये स्टेट वाइज यहाँ पे दी हुई है। कुछ कुछ एक्ट है वो किस ईयर में पब्लिश हुए हैं, ये आपको कोरल रीफ की साइट है और ये मैनग्रूव, ठीक है? ये पूरा देख लेते हैं। चलो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेहनत करिए, ये आप इसमें देखिए पहले, ठीक है? आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करके @study for civil services करके ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का टारगेट फिर है 2000 लाइक्स का। जैसे ही 2000 लाइक्स होंगे ये वाली पीडीएफ आपको मैं यहीं पे शेयर कर दूंगा। इस वाले ग्रुप को फिर भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कई सारी पिक्स और लगातार मैप मैं यहाँ पे शेयर करता जा रहा हूं। कोई भी पेड ग्रुप की अगर जानकारी लेनी है तो ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। चलो इस पिक को देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आ गया समझ में कि नहीं? लोग कह रहे थे कि समझ में, सब समझ में आ रहा है यार। देखो इसमें क्या है कि टाइगर रिजर्व इस समय 50 ही है, ध्यान रखना, अभी 51 नहीं है। दो प्रपोज किए गए थे लेकिन अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामधापा है और कामलांग है और पक्के है, ठीक। असम में है मानस, नमेरी, ओरांग और काजीरंगा। बिहार में वाल्मीकि है। छत्तीसगढ़ में उदांती सीता नदी है, अचानकमर और इंद्रावती है। झारखंड में है पालामऊ। कर्नाटक में बंदीपुर, ठीक है, भाद्रा, दंदेली अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगा थाका, रंगनाथा टेम्पल, ठीक है, ये सारे जो है आपके टाइगर रिजर्व है। फिर आपका केरल में पेरियार और पेरम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व 6 और महाराष्ट्र में भी 6 हैं, क्योंकि ये जो पेंच है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो है पेंच है, ठीक। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? कान्हा हो गया, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना, सतपुरा और संजय धुबरी हो गया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखें तो आप मेलघाट हो गया, तदोबा अंधारी हो गया, पेंच हो गया, सह्याद्री हो गया, नवेगांव नरजीरा हो गया और बोर हो गया, तो ये हो गया 6। उसके बाद अगर आप देखें और, तो भैया ये मिजोरम में है दंपा,
उड़ीसा में सिम्पलीपाल और सतकोसिया, राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स हैं, तमिलनाडु में है कलक्कड़, मुदनथुराई, अनामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, तेलंगाना में है कवल और अमराबाद, यूपी में तीन है, ध्यान रखिएगा, एक है दुधवा, पीलीभीत और जो है अमनगढ़। अच्छा, यूपी टाइगर की पॉपुलेशन वाइज सातवें नंबर पे है, ध्यान रखिएगा, टाइगर की पॉपुलेशन वाइज नंबर वन पे है आपका एमपी, अभी मैं बता रहा हूं, सब इसी में दिया हुआ है पिक में। उत्तराखंड में राजा जी है और कॉर्बेट है, कॉर्बेट का ही एक पार्ट है ये अमनगढ़, ठीक है, जो यूपी में है, तो यूपी में तीन माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपका वेस्ट बंगाल में बचा, ये सुंदरबन हो गया और बुक्सा हो गया, तो ये हो गए। बुक्सा ऐसे याद रख सकते हैं कि बुआ, ममता दीदी को जो है बुआ मानिए, तो वो वेस्ट बंगाल का है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब देखिए इसकी अगर लोकेशन देखें आप, तो बाकी मैंने आपको बताई दिया, ठीक है, कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये स्टेट वाइज देख सकते हैं आपकी, नहीं राजा जी कहाँ पे है, अभी मैंने बताया था राजा जी कहाँ पे, ये देखिए राजा जी किधर लिखा है, उत्तराखंड में है ये। कॉर्बेट कहाँ पे है मेनली, वो भी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मैप के साथ बगल में ये अगर इस पूरी पिक को जो देख लेगा सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा और नीचे चले तो देखिए दिख रहा है, ये पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया, ये कहाँ पे है, यूपी में है। कॉर्बेट का थोड़ा सा पार्ट है अमनगढ़, वो भी यूपी में है। वाल्मीकि मैंने कहाँ बताया, बिहार में है, ठीक है। फिर देखिए इधर की तरफ थोड़ा आइए, तो ये अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, एक नामधापा हो गया, कामलेंग हो गया और पक्के हो गया। अच्छा, इंडिया का सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट भी नामधापा है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम में अगर आप देखें, तो असम में कौन कौन सा है भैया, एक मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया और काजीरंगा हो गया, तो ठीक है चार हो गए आपके असम में। फिर आप अगर थोड़ा और नीचे आइए, तो मिजोरम में कौन सा हो गया आपका, डंपा। थोड़ा और इधर से देखिए, अगर वेस्ट बंगाल यहां तक पूरा फैला, तो ये बुक्सा हो गया और सुंदरबन हो गया। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है, ये सुंदरबन जो है ये सब कुछ है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे रामसर साइट भी अब बन गया है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, बताइए किस किस नदी के बीच में डेल्टा बनता है। फिर थोड़ा सा और देखते देखिए, इधर नीचे आएंगे तो सिम्पलीपाल और सतकोसिया, ये कहां पे उड़ीसा। फिर एमपी की तरफ अगर आप चले, तो दिख रहा है ये एक हो गया पन्ना, संजय धुबरी एपीएमपी में हो गया, बंधवगढ़ हो गया, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, सारे छह आपके टाइगर रिजर्व हो गए। फिर आप देखिए महाराष्ट्र में छह कौन कौन से हैं, एक हो गया सह्याद्री, ठीक है। अच्छा, ये सह्याद्री जो है वेस्टर्न मोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व है सह्याद्री वेस्टर्न मोस्ट, तो एक हो गया आपका महाराष्ट्र में सह्याद्री, एक हो गया तदोबा अंधारी, एक हो गया बोर, एक हो गया मेलघाट, एक हो गया पेंच और एक हो गया एनएनटीआर, ठीक है। एनएनटीआर का क्या मतलब हो गया, नावेगांव नगरीरा, ठीक है, हम लोग देख। छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें, तो देखिए ये हो गया अचानकमर, उदांती, सीता नदी और इंद्रावती, तो छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न मोस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानकमर है, ठीक है। ऐसे ही बाकी स्टेट का भी एक बार एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस भी स्टेट के आप पीसीएस की तैयारी कर। राजस्थान की अगर आप बात करें, तो एक हो गया सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंद्रा, ठीक है, तीन हो गए राजस्थान में। थोड़ा और नीचे आएंगे तो देखिए कर्नाटक में कौन कौन सा है, एक तो एक हो गया भद्रा, एक हो गया नागर हो गया, एक हो गया बंदीपुर, एक हो गया बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल, ठीक है, और ये हो गया आपका दंदेलियनशी, पांच हो गए आपके कर्नाटक में। देखिए केरल में दिख रहा है कि नहीं, केरल में हो गया पेरियार और पैरम्बिकुलम। फिर देखिए आप तमिलनाडु में अगर देखिए, तो कलक्कड़, मुदुनथुराई, ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, ये साउदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। और आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया अनामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, चार हो गए तमिलनाडु। फिर देखिए ये तेलंगाना में दिख रहा है आपको कवल और अमराबाद, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये आंध्र प्रदेश में कौन सा है, एनएसटीआर है, नागार्जुन श्रीसैलम, जो कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। बाकी थोड़ा ये वाला पिक जूम करके देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया भैया, ये स्टेट वाइज ब्रेकअप है, टाइगर सबसे ज्यादा लेटेस्ट मतलब जो रिपोर्ट है टाइगर की उनके हिसाब से, सब कुछ सबसे ज्यादा किस कंट्री में पाए जाते हैं, इंडिया में, और फिर उसके बाद रशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। टॉप फाइव टाइगर का अगर स्टेट की बात करें, तो कौन सा नंबर वन पे है, मध्य प्रदेश नंबर वन पे, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर सॉरी उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 526। अगर यहाँ पे आप कोई भी स्टेट पीसीएस तैयार कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिए स्टेट, यूपी का मैंने देख लिया, यहाँ पे यूपी का नंबर है सेवेंथ, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश लिखा है, ये सेवेंथ नंबर पे, उत्तर प्रदेश है ये। बाकी इतने स्टेट में टाइगर पाए जाते हैं। ये एक आध और जो है पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, छत्तीसगढ़ में टाइगर कम हो गए हैं, 46 से 19 हो गए हैं, आंध्र प्रदेश में भी कम हो गए हैं, 48 से जो है नहीं आंध्र प्रदेश में सॉरी हाँ आंध्र प्रदेश में भी कम हो गए हैं टाइगर, छत्तीसगढ़ में भी कम हो गए हैं, और आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, 308 से 526 मतलब नंबर वन पे आ गए सीधा। महाराष्ट्र में भी बढ़े हैं और ये 312 हो गए हैं। इस तरह से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है, 2018 में लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से 2967 टाइगर है इंडिया में, पूरे दुनिया का 70% से ज्यादा टाइगर इंडिया में पाया जाता है। इसी के साथ टाइगर की वो पूरी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एलिफेंट स्टेट में अगर आप बात करेंगे, एलिफेंट जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कर्नाटक में, कर्नाटक फिर असम फिर केरल, टॉप थ्री जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें टॉप 10 में भी यूपी का कोई स्थान नहीं है एलिफेंट में, ठीक। टाइगर की बात करेंगे, नंबर वन पे आपका एमपी हो गया और इसमें अपना यूपी नंबर 7th पे है, याद रखिएगा।
और फिर उसके बाद लेपर्ड की बात करेंगे तो इसमें भी नंबर वन पे एमपी ही है, फिर गुजरात, और एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है, अभी मैंने पूरी एक एक्ट की लिस्ट बनवाई वो मैं आपको कल दूंगा, बहुत ज्यादा उसमें जितने भी एक्ट जो बार बार आते हैं ना एग्जाम में वो मैंने बनवाई, उसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, वो कल आपको मिलेगी। कल आपको पूरे एक्ट मिलेंगे प्लस आपको मिनरल वाला और एग्रीकल्चर वाला डेटा बिल्कुल टेबल फॉर्म में इजी फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में सेंसर्स और ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल एक एक पिक में कर दूं आप लोग को, लेकिन लाइक्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे सिर्फ यही मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई पैसा खैरात डोनेशन नहीं चाहिए, लाइक्स चाहिए ज्यादा ज्यादा, जितने लोग देख रहे हो लाइक कर दो ना यार, क्या चला जाएगा आपका। चलिए इसमें यहाँ पे करते हैं, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आया था 1974 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेस एक्ट आया था 1977 में, ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूं। एयर पॉल्यूशन जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आया था 1981 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप जानते हैं 1972 में आया था, इसको कई बार अमेंडमेंट करके काफी सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, ईपीए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट, ध्यान रखना अम्ब्रेला एक्ट कई बार पूछ चुके हैं ये एग्जाम में डायरेक्टली, 1986 में आया था। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया था 1991 में, एनजीटी 2010 में आया था, इसके थ्रू एनजीटी का यहाँ पे निर्माण कर दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कोरल रीप कहाँ कहाँ इंडिया में पाई जाती हैं, तो इंडिया में चार जगह पाई जाती है कोरल रीप, कहाँ कहाँ, अंडमान और निकोबार में पाई जाती है पहली बात तो, गुजरात में है उसमें गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है, लक्षद्वीप में पाई जाती है, और तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। अब ये देख लो भैया मैनग्रोव, वैसे मैनग्रोव मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर देख लो एक बार, ये 12 जगह पाया जाता है मैनग्रोव, या ध्यान रखना आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान और निकोबार, और दमन दीव और पुडुचेरी। लेकिन सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहां पे पाया जाता है, वो सबसे हाईएस्ट कहां पे है, नंबर वन पे वेस्ट बंगाल है, नंबर टू पे आपका गुजरात है, नंबर थ्री पे आपका आंध्र प्रदेश है, नंबर फोर पे महाराष्ट्र है। तो ये है कुल मिलाकर। प्लीज आप लोग ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आज के लिए यही वीडियो बनाया था, अभी इसमें और भी जोड़ दे रहा हूँ, नेशनल पार्क वाला जोड़ दे रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व वाला जोड़ दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, इसमें हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके फैक्ट आते हैं एग्जाम में उनसे रिलेटेड पूरी मैपिंग एक्सरसाइज करेंगे, मैप में पूरा समझेंगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, किस चीज के लिए फेमस है, कब लोकेटेड है, कहां पे लोकेटेड है, ये सब चीजें, ठीक है, कब वो हुआ। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि टोटल अगर आप देखें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे इंडिया में, और इसमें से जो 11 है वो यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो उनकी याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सबसे अगर आप देखें कि नॉर्दर्न मोस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, और ईस्टर्न मोस्ट आपका कौन सा है, वो है कच्छ, और अगर आप देखेंगे सॉरी वेस्टर्न मोस्ट है कच्छ, ईस्टर्न मोस्ट है आपका देहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और साउदर्न मोस्ट यहां पे आपका ग्रेट निकोबार है, इसकी लोकेशन यहां पे गलत दी हुई है, यहां पे ग्रेट निकोबार जो है वो साउदर्न मोस्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चालू करें, देखिए सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका सबसे पहली ये रिकॉग्नाइज किया गया था, और ये कहां पे, ये इधर है ये, ठीक है, ये कहां कहां किस किस स्टेट में फैला हुआ है, ये तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी, आप देख सकते हैं इसका पार्ट तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, तीन स्टेट में ये फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन भी है ये, आप याद रख सकते हैं इसमें। इसका जो फेमस क्या क्या फौना है यहाँ पे, नीलगिरी तार पाई जाती है यहाँ पे, टीएच और लाइन टेल्ड मकाक, ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया। दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका रिकॉग्नाइज किया गया था, नोक्रेक है ये, नोक्रेक ये कहां पे है, नोक्रेक आपका गैरो खासी जयंतिया जो तीन लगातार पैरेलल हिल है उसमें है, और नोक्रेक किस में है ये, नोक्रेक गैरो हिल्स में है जो कि मेघालय में लोकेटेड है, ये आप याद रखिएगा, रेड पांडा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये 1988 में किया गया था। तीसरा वाला है आपका नंदा देवी, नंदा देवी ये रहा आपका, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड में है, देखिए ज्यादातर जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उन्हीं के वहां पे जो भी नेशनल पार्क है उसी से एसोसिएटेड है, जो भी नेशनल पार्क है आपका उसी से एसोसिएटेड है आपका, वही नाम है बायोस्फीयर रिजर्व का। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर आपका बायोस्फीयर का जो एरिया होता है, एक बायोस्फीयर में कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, ठीक है, तो बायोस्फीयर जो होता है बहुत ह्यूज एरिया होता है, और जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एज कंपेयर टू बायोस्फीयर थोड़ा सा उसका एरिया कम होता है। बायोस्फीयर मतलब एक, अगर आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे भी कि बायोस्फीयर में अगर आप देखें तो बायोस्फीयर का टर्म का मतलब ही क्या होता है, जहां पे एटमॉस्फेयर हो गया आपका, लैंड वाला लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मीट करते हैं, तो ये ह्यूज एरिया है, बहुत ब्रॉड एरिया होता है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड होते हैं। चौथा वाला कौन सा है आपका, सुंदरबन,
सुंदरबन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बनता है, ये आप समझ सकते हैं, दोनों यहाँ पे मिलती है नदियाँ, ठीक है, सुंदरबन। और ये जो है आपका यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर काफी फेमस है। फिर आपका है मानस, मानस कहाँ पे है? ये असम में है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, तो ये इसी से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपके एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर और ये आपके गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ये सब मिलते हैं। फिर आपका है पांचवा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे? यहाँ पे है ये, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है कहीं, ठीक है। ये 1989 में किया गया था स्टार्ट, तो ये तमिलनाडु में माना जाएगा इसको, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। यहाँ पे डुगोंग जो होती है, जो सी का होती है, वो पाई जाती है। और सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है यही है, गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखिएगा आप। उसके बाद फिर है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार यहाँ पे कहीं है, इसके साउथ में ही है थोड़ी सी पोजीशन में। ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। उसके बाद है सिंपली पाल, सातवें नंबर पे आया, ये उड़ीसा में है ये, ठीक है, उड़ीसा में है आपका मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका आठवां आया दिब्रू शेखोवा, दिब्रू शेखोवा ये है, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी असम में ही है, तो असम में मानस भी है और ये आपका दिब्रू शेखोवा भी है। ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है आपका दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग दिबांग कहाँ पे है? सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिहांग दिबांग, ये आप याद रख सकते हैं। ये आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट अगर कभी आ गया तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। यहाँ पे आपका मिशमी टाकिन और मस्क डियर काफी फेमस है यहाँ पे। फिर आपका नाइन नंबर पे है पचमढ़ी, पचमढ़ी ये कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल बहुत फेमस है। फिर आपका आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कहाँ पे? सिक्किम में ये। फिर आपका है आपका नेक्स्ट अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई जो है ये इधर है, ठीक है। अगस्त्या मलाई किस किस राज्य में फैला हुआ है अगर ये पूछ लेंगे तो देखिए ये केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है, दोनों में है ये अगस्त्या मलाई, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये अचानकमर और अमरकंटक, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, दोनों में फैला हुआ है ये, ठीक है। फिर ग्रेट रैन ऑफ कच्छ जो है आपका नेक्स्ट वाला है, ग्रेट रैन ऑफ कच्छ ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये आपका गुजरात में है ये, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं इससे। फिर नेक्स्ट है आपका कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है ये, स्नो लेपर्ड यहाँ पे काफी फेमस है, ये वेस्टर्न हिमालय का पार्ट भी है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क भी है, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और फिर है आपका सेसाचेलम हिल्स, ये कहाँ पे है आपका? ये आंध्र प्रदेश में है ये, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट का भी यहाँ पे पार्ट है ये थोड़ा सा। और फिर लास्ट में है पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, केन रिवर पे ये एसोसिएटेड लोकेटेड है, सॉरी, ठीक है। तो ये है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें देखिए 18 के 18 में अगर आप देखें तो 18 को आप एक बार इसलिए भी देख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है नॉर्थ से साउथ सबकी पोजीशन पूछ लें, सबका स्टेट आपको पता होना चाहिए जरूर। अब इनमें से जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का उसके अंडर में आते हैं, ठीक है। उन 11 को याद रखने की ट्रिक क्या है? 4N GKS पास, ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो ये आप याद रख सकते हैं। 4N से क्या हो जाएगा? 4N से सबसे पहला हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा वाला हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा हो जाएगा नोक्रेक, और आपका चौथा हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो ये हो गया 4N। जी से क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। के से हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा को अभी 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर में किया गया है, तो ये 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपका प्रोग्राम है यूनेस्को का उसके अंडर में लाया गया है। तो 4N GK। फिर आपका एस से हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है, तो 4N GS GKS हो गया। फिर पी से हो जाएगा आपका पचमढ़ी, फिर ए से हो जाएगा अचानकमर अमरकंटक, फिर ए से हो जाएगा अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे लास्ट में जो एस है वो हो जाएगा सिंपली पाल। तो ये है ट्रिक और प्लस ये है पूरी लोकेशन। मैप से ही हम लोग पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी की जितनी भी चीजें हैं यूपीपीसी से पहले मैं सभी कुछ मैप से कराऊंगा। मैप से कराने में थोड़ा ये भी रहता है कि आपको थोड़ी लोकेशन देखेंगे तो कई बार नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट से वेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि जो ये अगस्त्या मलाई है प्लस गल्फ ऑफ मन्नार है और प्लस ग्रेट निकोबार है, इन तीनों को आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज करिए, ठीक है, लोकेशन इनकी ढूंढिए और इनको अरेंज करके बताइए, जल्दी से आंसर लिख के बताइए इसका। तो ये है पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे जैसे मैं मैप से करा रहा हूँ ये ठीक करा रहा हूँ ना, आप इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर आप बता दें, सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था पहले, सबसे बड़ा कौन सा है? रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार है, सबसे छोटा ये वाला है आपका दिब्रू शेखोवा, दिब्रू शेखोवा जो असम में है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे ये गवर्नमेंट का ये जो डेटा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, सॉरी 1972 में, उसी के अंडर में ये सब डिक्लेरेशन वाली चीजें लिखी हुई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, नोटिफिकेशन के जरिए कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या क्या राइट है, क्या सब चीजें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से ये। और बाकी विशेष परिस्थितियों में ये सब लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट है ये। अब अगर नेशनल पार्क भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लेकिन नेशनल पार्क भी अगर आप देखेंगे तो कौन कर सकता है? जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि ऐसा कोई एरिया है जहां पे उसको प्रिजर्वेशन की जरूरत है, कंजर्वेशन की जरूरत है, तो ही कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप राइट देखेंगे यहाँ पे,
ये देखिए, तो ये जो है सेंचुरी और ये नेशनल पार्क जो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर कभी स्टेटमेंट आ जाएगा कि विच ऑफ द ये नेशनल पार्क एंड सेंचुरी मे बी डिक्लेयर्ड बाई, तो स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा। वो कब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट अपना लीज कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर अपने कंट्रोल से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली, ठीक है। अब टोटल कितने पार्क हैं ये अगर आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये वाली जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, हम देखिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। इस समय अगर आप देखेंगे प्रेजेंट के हिसाब से 104 टोटल नेशनल पार्क हैं, ठीक है। टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 104 हैं इस समय, और सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो एमपी में 10 हैं, ठीक है। नेशनल पार्क टोटल एरिया कितना कवर करते हैं? 40,501 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। 104 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। और इसमें जो है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंडर में पांच टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। एक नेशनल पार्क हो गया, एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, आपका कम्युनिटी रिजर्व हो गया, और एक टाइगर रिजर्व जो 2006 में आपका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने वाली। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ये, अगर आप स्टेट वाइज थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पे और पूरा देखते हैं, ये 104 है इस समय, ध्यान रखिएगा। कई जगह 102 लिखा हुआ है, वो गलत है, 104 है टोटल, ठीक है। इस समय जो आपके कितने हैं नेशनल पार्क हैं, और टोटल कितना ये कवर करता है एरिया का, पूरे इंडिया के एरिया का 1.23% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कवर करते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा नेशनल पार्क लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, स्टेट वाइज लिखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए 6 हैं जैसे, ठीक है। और मतलब इतना सबकी जरूरत नहीं है हमको याद रखने की, लेकिन मध्य प्रदेश जरूर याद रखिएगा, 10 है यहाँ पे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो है आपका ये अंडमान एंड निकोबार है, 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। एक दूसरा इंपॉर्टेंट अगर आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखें, तो उत्तराखंड जो है ये, ठीक है, उत्तराखंड के अंडर में मतलब एरिया वाइज सबसे ज्यादा नेशनल पार्क का एरिया आता है, ठीक है। पूरे स्टेट का करीबन 9.19% जो है उत्तराखंड का वो नेशनल पार्क ही है, और जीरो तो कई सारी जगह है पंजाब पंजाब में है। और अगर आप आगे चले तो ये देखिए स्टेट वाइज जो लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी चाहिए। एक बार पहले मैं एक बार ये लिस्ट बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, मैप भी दिखाऊंगा कुछ, और प्लस इंपॉर्टेंट वाली चीजें बताऊंगा। देखिए अंडमान के अंडर कितने हैं? 9 नेशनल पार्क है टोटल मिलाकर, ठीक है। कौन कौन से? दो तो हैं निकोबार में आपके, कैंपबेल और गलाथिया, ये दो निकोबार में हैं, और बाकी जो है अंडमान में है 7। महात्मा गांधी हो गया, मिडिल बटन हो गया, माउंट हैरियट हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, रानी झांसी और सैडल पीक और साउथ बटन, ठीक है। तो ये 9 हो गए आपके ये अंडमान के अंडर में। अब इसके बाद अगर आप जाएंगे, ये देखिए आंध्र प्रदेश के अंडर में कितने हैं? पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा, तो 3 है आंध्र प्रदेश के अंडर में। अरुणाचल में है मौलिंग और नामदापा, ठीक है। असम में टोटल मिला के कितने हैं? असम में 5 हैं, दिब्रू शेखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और आपका राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, बीपीएससी वाले याद रखिएगा, वाल्मीकि वाला। जो स्टेट पीसेस दे रहे हैं वो अपने स्टेट का जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सा? गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर, ठीक है। गोवा में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? मोलेम, ठीक है। फिर गुजरात में 4 हैं, एक है वंसदा, ब्लैकबक, गिर और मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। हरियाणा में 2 है नेशनल पार्क आपके, कालेसर और सुल्तानपुर, एचपीएससी वाले जरूर याद रखिएगा। हिमाचल में 5 है नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, और आगे चलेंगे तो मेघालय में बालफाक्रम और नोकरेक, मिजोरम में मुरलेन और फांगुप्री, फांगुप्री ब्लू माउंटेन है, नागालैंड में इंटानकी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा में है भीतरकनिका, सिंपलीपाल, राजस्थान में है मुकुंद्रा, डिजर्ट, केवलादेव, रणथंबोर और सरिस्का। 5 नेशनल पार्क है राजस्थान में, याद रखिएगा जो लोग आरएस दे रहे हैं। सिक्किम में है कंचनजंगा, तमिलनाडु में है आपका गिंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुखुर्ती, ठीक है।
तेलंगाना में तीन नेशनल पार्क हैं, एक है कासू ब्रह्मदेव ब्रह्मनंद रेड्डी, महावीर हरिणा और प्लस मुरुगु वनानी। फिर त्रिपुरा में दो हैं, क्लाउडेड और बिसौन। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं बता चुका हूँ आपको, दुधवा है सिर्फ ये आपका नेशनल पार्क। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, कॉर्बेट ये सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, जरूर याद रखिएगा। फिर गंगोत्री, गोविंद और आपका नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर। वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क है, बुक्सा, गोरुमारा, जलदापुरा, नेवरा वैली, सिंगालिया और सुंदरबन। देखिए बुक्सा जो है आप ये याद रख सकते हैं कि बुआ, जैसे आप मान लीजिए कि ममता बनर्जी की शक्ल को याद करके वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क की बहुत सारी ट्रिक भी है, वो धीरे धीरे बताएंगे आपको सब कुछ अगले वाले वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप ये देखो कि जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें वो, ठीक है। फिर देखिए ये मैप मैंने बनाया है, वैसे ये काफी क्लियर नहीं आ पाया, बहुत कोशिश की। कुछ यहां से देख लीजिए कि ये जैसे दज्जिकम है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जम्मू कश्मीर में नंदा देवी उत्तराखंड में है, माधव नेशनल पार्क हो गया, डिजर्ट हो गया राजस्थान में आपका, मरीन नेशनल पार्क हो गया, मेलघाट हो गया, पन्ना हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, बेटला हो गया आपका, ठीक है, पलामू हो गया, दालमा हो गया, शिम्पलीपाल हो गया, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है ये। तो ये कुछ कुछ की तो मैंने मैप मिल गए थे। और आपका ये अगर ऊपर से देखेंगे तो मौलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नामधापा, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, नामेरी है, बालफाक्रम है, ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा तो वैसे भी सिक्किम में तो वहीं पे होगा। फिर बनेर घाटा है, साइलेंट वैली है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो काफी सारे हैं इसमें। कुछ और भी हैं यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखिए सबकी इंपॉर्टेंस जो देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और किस चीज के लिए फेमस है, ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड और मस डियर के लिए। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है, और ये एलिफेंट और टाइगर रिजर्व के लिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा था टाइगर रिजर्व नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है, और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, वो जल्दी से बताइए कमेंट करके। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, स्नो लेपर्ड और फ्लोरा के लिए काफी फेमस है ये। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो इंडिया का सबसे पहला है, था ये। हेले नेशनल पार्क भी बोलते हैं, टाइगर के लिए फेमस है। दुधवा उत्तर प्रदेश में टाइगर के लिए है। सरिस्का राजस्थान में है आपका टाइगर के लिए। केवलादेव आपका है राजस्थान में बर्ड और डियर के लिए, ठीक है। रणथंबोर जो है आपका राजस्थान में है टाइगर के लिए। मानस जो है वो असम में है टाइगर एलिफेंट। काजीरंगा असम में है। वन ऑंड जो है राइनोसर्स इनके लिए है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कि अकलौता ये फ्लोटिंग पार्क है पूरी दुनिया का, और सांगाई के लिए काफी फेमस है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिक्सचर, ये जहां पे मतलब मिलती है नदियां वहां पे बनता है ये। गोरुमारा आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा गोरी बुआ करके, कि ममता बनर्जी बुआ है वो गोरी है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो गोरुमारा आपका हो गया वेस्ट बंगाल, और बुक्सा से हो गया बुआ। चिल्का लेक तो वैसे भी उड़ीसा में, तो यहीं पे होगा। बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए। कान्हा है मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए। पेंच है आपका मध्य प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क काफी फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए बहुत फेमस है ये गुजरात में। कुछ तो आपने वैसे भी याद ही होंगे। बंदीपुर जो है आपके कर्नाटक का है ये। नागरहोला कर्नाटक का टाइगर एलिफेंट। और एक बात और बताइए, एलिफेंट सबसे ज्यादा किस स्टेट में, इसका वीडियो अगला दूंगा, अगले वाले वीडियो। पेरम्बिकुलम है केरला में और टाइगर के लिए फेमस है। वायनाड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है टाइगर के लिए। पेरियार है केरल में और टाइगर एलिफेंट के लिए, ठीक है। फिर ये कुछ और है, डचिगम जो है जम्मू कश्मीर में है, हंगुल के लिए काफी फेमस है, कश्मीरी स्टैग। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में, मस डियर और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। माउलिंग नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, रेड पांडा के लिए फेमस है। नामधापा आपका अरुणाचल प्रदेश में, रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायर के लिए फेमस है। नामेरी जो है आपका असम में है, एलिफेंट के लिए फेमस है। बालफाक्रम मेघालय में है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। फिर मरीन वाला है गल्फ ऑफ कच्छ में। माधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश। चंद्रप्रभा है आपका ये है उत्तर प्रदेश में। नहीं, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी। और फिर ये चंद्रप्रभा और वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रेन ऑफ कच्छ में, रेन ऑफ कच्छ में। फिर ये कुछ और है आपका, पन्ना नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में टाइगर। बेटला जो है वो झारखंड में है, ठीक है। पलामू नेशनल पार्क है आपका, और सिम्पलीपाल है उड़ीसा में। मेलघाट है महाराष्ट्र में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, आप याद रखिएगा। नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है ये। बानेरघट्टा कर्नाटक में, और साइलेंट वैली है केरला में। आप देखिए मैप भी दिख जाएंगे आपको सरकारी वाली वेबसाइट में। देखिए ये है आपकी वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप चाहें तो स्टेट वाइज मैप देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ये वाला आंध्र प्रदेश का अगर हम लोग देखना चाहें, तो देखिए ये आपको दिख जाएगा कि टोटल कहाँ कहाँ पे हैं और ये नेशनल पार्क आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से कि जैसे आंध्र प्रदेश में जो भी नेशनल पार्क है, काशू ब्रह्मनंद रेड्डी हो गया आपका, और ये आपका पापी कोंडा हो गया, तो ये सब यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी मैपिंग आप नहीं कर सकते हैं, मेन मेन जो है वो मैंने बता दिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। और अगर मुझे इसका मैप, मैं ढूंढ रहा हूँ काफी देर से लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, कोई अच्छा सा मैप मिलता है तो मैं अगले वाले वीडियो में इसका मैप वाइज भी पूरी लोकेशन बताऊंगा कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। ठीक है, ये एक मैप अगर आप और देखें तो इसमें और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, कि जैसे आप अगर इसमें देखें, जैसे हेमिस हो गया आपका ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे किश्तवाड़ हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर हो गया आपका कहाँ पे, ये उत्तराखंड में,
कोरबेट हो गया आपका, ठीक है, दुधवा हो गया, सरिस्का हो गया, डिजर्ट इधर है, रणथंभौर है इधर, ठीक है, बांधवगढ़ है एमपी में, पेच है, सतपुड़ा है, तदोबा है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, तो ये एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज और बताना भूल गया था मैं, ये लास्ट में जो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये मैंने वैसे बता दिया था शुरू में ही। अच्छा, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में, सिमिलरिटीज तो ये कि दोनों को इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पे कॉमर्शियल इसका एक्सप्लोटेशन ना हो सके, फॉरेस्ट जो भी प्रोड्यूस होता है वो किसी में अलाउड नहीं होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में। हालांकि थोड़ा बहुत लोकल कम्युनिटी के लिए कर देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो भी परमिशन पे, ठीक है। डिफरेंसेस यही है कि कोई भी ग्रेजिंग या फिर प्राइवेट एक्टिविटी नहीं हो सकती है लैंड राइट वाली नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वहां पे कुछ कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, कुछ कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज वहां पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये है पूरी समरी नेशनल पार्क का पूरा, अगर मुझे मैप में स्टेट वाइज वाला मैं देख रहा हूं, अगर कुछ मिल गया या फिर बना के मैं दे दूंगा। वैसे इसमें जो बातें मैंने बताई हैं यही क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन ये आता है कि कुछ आपको नाम दे देंगे कि बताइए ये कहाँ पे है, ठीक है, या तो मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं, या फिर अगर वो जो नेशनल पार्क है वो कुछ न्यूज में है तो उससे रिलेटेड न्यूज आ जाती है तो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। इससे पहले मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा दे चुका हूँ, वर्ल्ड जो ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पूरा दे चुका हूँ, टाइगर रिजर्व का हम लोग देख चुके हैं पूरा, और कई सारे देख चुके हैं, मैप बेस्ड हम लोग काफी कर रहे हैं। फिर अगला वाला देखेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर पे, थैंक यू। देखेंगे कितने एलिफेंट रिजर्व हैं पूरे इंडिया में, कितने स्टेट में फैले हुए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, और प्लस एलिफेंट की इस समय करंट पॉपुलेशन क्या है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी पीसीएस में इस बार फॉरेस्ट वाला भी आएगा, तो इसीलिए आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इस बार। इन्वायरमेंट के लिए मैं अभी तक टाइगर रिजर्व पूरा बता चुका हूँ मैप वाइज, बायोस्फीयर रिजर्व पूरे बता चुका हूँ, प्लस आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो हमारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बता चुका हूँ पूरा, प्लस रामसर जितने भी हैं साइट वेटलैंड है वो सब बता चुका हूँ, और नेशनल पार्क बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ, आप इसको वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हम लोग टाइगर ये एलिफेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो हाथी है वो इंडिया में 16 स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, करंटली, और इनकी पॉपुलेशन करीबन इस समय, अभी देखिए ये 2007 का है, ये 2012 का है, अभी लेटेस्ट एक 2017 में सेंसस आया था उसके अगर आप फैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा मिला के 27,000 टोटल पॉपुलेशन उनकी आकी गई थी, 27,302, ठीक है। तो पूरे इंडिया में कितने हाथी हैं, 27,302 हाथी हैं। एक अभी एलिफेंट का सेंसस हुआ था और रिपोर्ट आई थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की, उसके हिसाब से कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है, करीबन 6,000 है, उसके बाद है सेकंड नंबर पे असम में और थर्ड नंबर पे केरल में, ये तीन चीज आप याद रखिएगा। तो एलिफेंट के लिए टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है, नंबर सेकंड कौन सा हो गया, असम हो गया, और नंबर थर्ड हो गया केरला। तो तीन ये स्टेट जो हैं ये आपके टॉप 3 एलिफेंट में। अच्छा, कर्नाटका के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट भी पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए ये टोटल अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे ये एलिफेंट की तो कितनी है, टोटल 27,000 है, और इसके लिए अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 16 स्टेट में इनके रिजर्व हैं। टोटल मिला के एलिफेंट के लिए क्या किया गया है कि 10 जोन है, हर जोन में कुछ कुछ रिजर्वेंट, टोटल 32 रिजर्वेंट एलिफेंट के अभी तक, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटका में इस समय हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। और जो 10 रिजर्व है, अब देखिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। ये बेसिक पर्पस वही होता है एलिफेंट को बचाना, उनकी हैबिटेट को, कॉरिडोर को, प्लस जो मैन एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको, उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करना, और आपका वेलफेयर करना है जो भी कैप्टिव एलिफेंट है। अब देखिए टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर वो कब किया गया था, 1973 में, याद रखिएगा, और एलिफेंट वाला प्रोजेक्ट किया गया था 1992 में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो टोटल रिजर्व की लिस्ट है वो देख लेते हैं, 10 मैंने बोला आपको, 10 जोन है एलिफेंट के उसी में है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जोन है ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप, यानी कि इसमें क्या क्या आता है, साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तो इसमें कितने हैं एलिफेंट रिजर्व, इसमें 9 है, ठीक है। एक आपका मयूर झामा हो गया, मयूर झरना, ये वेस्ट बंगाल में है, और सिंहभूम है आपका झारखंड में, फिर मयूर भंज है आपका उड़ीसा में, महानदी एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, बैतामी एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, साउथ उड़ीसा में है, और लेमरू करके है छत्तीसगढ़ में, और बादल खोल तमोर पिंगला करके है, ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये है सबसे पहला रिजर्व। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा जो है आपका जोन कौन सा है, दूसरा जोन है आपका कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम में, कामेंग वाला हो गया और सोनितपुर हो गया। तीसरा कौन सा है, ईस्टर्न है साउथ बैंक, ये है आपका लैंडस्केप, इसमें कौन कौन सा है, असम का है दिहिंग पतगई और साउथ अरुणाचल। अच्छा, असम में याद रखिएगा, असम में पूरे इंडिया में सेकंड नंबर के लार्जेस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा वाला है आपका काजीरंगा कार्बी एंगलोंग करके है, इसमें काजीरंगा कार्बी एंगलोंग ये असम में है, फिर धानसिरी लुंगडिंग करके असम में है, इंटांकी करके ये नागालैंड में है। फिर आपका पांचवा वाला जो एलिफेंट का रेंज है वो कौन सा है, वो है आपका ये नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप है, चिरांग रिपू करके है असम में,
ईस्टर्न डुआर्स करके ये वेस्ट बंगाल में है। मेघालय में दो है, गैरो खासी, गैरो खासी आपने देखा होगा जो इंडिया का मैप है, गैरो खासी जयंतिया इस तरह से है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मेघालय में तीन हिल्स हैं, गैरो खासी और जयंतिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैरो खासी जयंतिया यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पे ये हिल्स लोकेटेड है, ठीक है। फिर ये सातवां जो यहाँ पे एलिफेंट का रेंज वो कौन सा है, वो है ब्रह्मगिरी नीलगिरी, और इसमें मैसूर वाला है कर्नाटक में, वयानाड है केरला में, नीलगिरी है तमिलनाडु में, रयालू है आंध्र प्रदेश में, नीलांबर है केरल में, और कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आपकी आठवीं रेंज है वो कौन सी, अनामलाई नेलिमा पत्थी करके है, हाई ये लैंडस्केप रेंज है, ये अनामलाई तमिलनाडु में, अनामुडी है आपका केरल में, पेरियार अगस्त्यमलाई है, पेरियार केरला में है, और श्री श्रीविली पुथूर करके है तमिलनाडु में। नॉर्थ वेस्ट लैंडस्केप में देखिए एक उत्तर प्रदेश में भी एलिफेंट रिजर्व है, ये जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे हैं, और एक है शिवलिक करके एलिफेंट रिजर्व, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो दो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में एक याद रखिएगा। एक चीज और ये देख लीजिए कि टोटल एरिया वाइज अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा ये आपका एलिफेंट रिजर्व है, तो सबसे बड़ा तो है मैसूर, ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा है मैसूर, इसका एरिया है करीबन 6724, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मान लीजिए कभी पूछा सकता है। और सबसे छोटा वाला है वो है इंटांकी करके नागालैंड में, ठीक है। तो इसी के साथ एलिफेंट वाली इन्फॉर्मेशन खत्म हुई, आप लोगों को जरूर देख लीजिएगा, मैंने टाइगर रिजर्व पूरे मैप में बताए हैं, इसका मैप नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बता पाया उसको, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा 32 ये एलिफेंट रिजर्व है, 16 स्टेट में फैले हुए हैं, टॉप थ्री कौन से हैं, कर्नाटक असम, ठीक है, कर्नाटक असम और केरला, ये तीन है टॉप थ्री। सबसे बड़ा वाला रिजर्व कहाँ पे, मैसूर में, सबसे छोटा इंटंकी है आपका नागालैंड में, ये इतना जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा मैंने नेशनल पार्क का वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व का बना चुका हूँ, वेटलैंड का बना चुका हूँ, प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, और अभी और भी कॉन्टिनेंट वाइज बनाएंगे, एशिया की पूरी फिजिकल मैप, इंडिया का पूरा फिजिकल मैप, जितने भी कॉन्टिनेंट सबका। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।